जी ट्वेल्थ क्लास आज बेटा हम बात करते हैं कुछ एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की ऑन द टॉपिक प्रोग्रामिंग चलिए देखते हैं क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे आपको वन इज कॉल्ड एजर्शन एंड अनदर इज कॉल्ड रीजन आपको दोनों स्टेटमेंट्स केयरफुली पढ़नी है आपको जज करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं या उनमें से कोई एक गलत है अगर दोनों ठीक हैं, तो आपने फिर चेक करना है कि क्या रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मतलब उसी के कारण ट्रू है ओके? Okay? तो फिर आपने इन ऑप्शंस में से चूज करना है बेटा लेट अस जस्ट रीड इट वंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन पिक द करेक्ट ऑप्शन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन अगर ऐसा है तो आप ए चूज करेंगे बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन अगर ऐसा है तो आप बी चूज करेंगे अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स देन सी अगर एजर्शन सही है रीजन फॉल्स है तो आप सी चूज करिए एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू तब आप डी चूज करिए ओके कई कई कंपिटिशन में आपको ये फिफ्थ ऑप्शन भी मिल जाती है बेटा बोथ एंड रीजन आर तो मैं ये भी इंक्लूड करके फिर क्वेश्चन देखते हैं बेटा वन बाय वन एजर्शन इज फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन दर्टिजन प्लेन विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल ठीक आप स्टेटमेंट समझ पाए हैं बेटा क्या कह रहे हैं फिजिबल रीजन किसी भी लीनियर प्रॉब्लम में सेट ऑफ दो हैं उनको सेटिस्फाई करता है हम सभी कंस्ट्रेंट यही है बनाते हैं ना बेटा फिजिबल रीजन कॉमन शेडेड रीजन जैसे हम फिजिबल रीजन कहने लगे ट्वेल्थ से तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स वही होता है जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है बिल्कुल ठीक ये स्टेटमेंट ठीक है चलिए सेकंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ एट पॉइंट ऑन एक्स और वाई ओनली अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो या तो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिलती है या वाई एक्सेस के पॉइंट पर क्या ये ठीक है बेटा नो no. ना? No. है ना नो जबकि हमने ज्यादातर बल्कि जो क्वेश्चन किए हैं जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वार में ज्यादातर लाई कर रहा था ओके okay? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है तो एक ट्रू एक फॉल्स एस ट्रू रीजन फॉल्स दैट सी मींस द आंसर चलिए सम ऑफ द फिजिकल सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटीज दिस आर जीरो थ्री थ्री जीरो वन टू टू वन ये दर्शन बिल्कुल एक तरीके से आपको क्विकली फिजिबल रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा आप फिजिबल रीजन ड्रॉ करिए वही हमारा तरीका चलिए एक मेरी रिकॉल करवा देती हूँ अदरवाइज ये डिटेल में हम जब बात कर चुके हैं तो आपको पता है आप फर्स्ट लाइन के लिए टू पॉइंट्स ले लीजिए एक्स जीरो रखेंगे तो वाई आएगा थ्री और वाई जीरो रखेंगे तो एक्स आएगा सिक्स आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे देन सेकेंड लाइन के लिए आप कर ले आप देखिए ये लेस देन इक्वल टू इन इक्वालिटी है जीरो जीरो पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो उसकी तरफ शेडिंग आएगी और फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज टू ट्वेल्व आप लाइन कंसिडर करेंगे उसके लिए भी आप टू सॉल्यूशन लेंगे एक्स जीरो पुट किया तो वाई फोर वाई जीरो पुट किया तो एक्स थ्री इसमें भी आप जीरो जीरो पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगी मतलब दोनों की शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन ओके और इस दोनों का हम समराइज मतलब समझते ही हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होगा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव दोनों कहां होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आप चारों को क्विकली ड्रॉ करके ये पॉइंट गेट कर सकते हैं ओके okay, ये फिजिबल रीजन होगा जीरो जीरो थ्री जीरो सिक्स बाय फाइव ट्वेल्व बाय फाइव जीरो थ्री ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये फिजिबल रीजन होगा अब क्या क्या है स्टेटमेंट में फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो फिजिबल रीजन में सभी पॉइंट्स आते हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन है बेटा ठीक है जीरो थ्री बिल्कुल पॉइंट है इसका थ्री जीरो बिल्कुल फिजिबल रीजन का पॉइंट है वन टू वन टू इज हेयर यस शेडेड रीजन में ही आ रहा है बेटा वन टू यहां आ रहा है कहीं वन टू इज हेयर ओके एंड टू वन यस ये भी फिजिबल रीजन में है. आपने थोड़ा ग्राफ जल्दी में बनाना हो बट करेक्ट बनाने की कोशिश करना है ये बिल्कुल साथ में होते कहीं ये ना लगने लगे कि ये नहीं है ठीक है वन टू टू वन जीरो थ्री थ्री जीरो सभी फिजिबल सॉल्यूशन है क्योंकि फिजिबल रीजन में लाइक करते हैं बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है है अब रीजन इसका क्या एनी पॉइंट ऑन द एनी पॉइंट इनसाइड द फिजिबल रीजन फॉर एन एल पी पी इज कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन एब्सोल्यूटली राइट और रीजन भी इसका रादर यही है फिजिबल रीजन पर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का हमारा आंसर ए होगा बेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द इनफिजिबल सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटीज इज जीरो फोर अब इनफिजिबल सोल्यूशन जो फिजिबल रीजन के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं अब ये पॉइंट क्या दिया है जीरो फोर यस बिल्कुल ठीक ये फिजिबल रीजन के बाहर ही है बेटा पॉइंट जीरो फोर ये रा एंड फाइव टू फाइव टू ये रा दोनों पॉइंट फिजिबल रीजन के बाहर है तो ये क्लियर कट इन फिजिबल सोल्यूशन है स्टेटमेंट इज ट्रू और रीजन क्या कहा है एनी पॉइंट इन साइड द फिजिबल रीजन फॉर एन एल पी पी इज कॉल्ड अ फिजिबल सोल्यूशन बिल्कुल लास्ट वाला जो फिजिबल रीजन के अंदर होते हैं उन्हें फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं ओके okay, बिल्कुल ठीक बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नो फिजिबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहां पर क्या होता है इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है वो बात नहीं की जा रही राइट इनफिजिबल सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट रीजन जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ओके okay? नहीं है दैट दीन्स बी वुड बी द आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन कंसीडर द ग्राफ फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिस फिजिबल रीजन फॉर इट इज अनबाउंडेड ओके okay, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा बिल्कुल आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अगेन एंड टेलिंग ईच एंड एवरी पॉइंट बट आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सेम जो ये फिगर बनी हुई है रीजन के साथ यही फिगर बनेगी एग्जैक्ट ये आपकी 5x एक्स प्लस टू वाई इजक्ल होगी ये वाली इक्वेशन एंड x प्लस वाई इजक्ल ये वाली होगी इसका शेड टूवर्ड्स ऑरिजन और इसका शेड अवे फ्रॉम ऑरिजन होगा और यह हमारा फर्स्ट पॉडन में देता है उसका फिजिबल रीजन यही आ रहा है, है। सेम लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर फिजिबल रीजन फॉर इट इज अनबाउंडेड राइट नाउ इट इज बाउंडेड इट इज बाउंडेड सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके ग्राफ फॉर द सिस्टम ऑफ इनिक्वालिटीज और ये चेक कर लीजिए एग्जैक्ट सेम दे रखी है और यही ग्राफ आता है इसका तो आपका ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि यस ग्राफ ये है लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है दैट इज फॉल्स तो अजर्शन फॉल्स हो गई बेटा रीजन ट्रू दैट मीन्स डी इज द आंसर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा

आप क्विकली ड्रॉ करेंगे यू विल गेट दिस फिजिबल रीजन आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे जीरो जीरो जो जनरली हम पुट ना भी करें कोई फर्क नहीं है उस पर वैल्यू जीरो आनी है फोर जीरो जीरो फाइव जब आप एग्जैक्टली ड्रॉ करें होंगे दिस इज नथिंग बट वन फोर पॉइंट फाइव आपको क्विकली इस पर वैल्यू चेक करनी है बेटा इनको नेम दे देते हैं हम दिस इज ओ इट्स दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी

एट सिक्स पॉइंट फाइव वैल्यू है एक बट मैक्सिमम नहीं है यहां पर कही थी सिक्स पॉइंट फाइव तो ये फॉल्स हो गया ओके okay? क्विकली सिर्फ कैलकुलेट करके हाँ जी 6.5 एक वैल्यू आ रही है वो नहीं हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा फिजिबल सॉल्यूशन की नहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ठीक है मैक्सिमाइज ठीक है मैक्सिमाइज लिखा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज एट एट वैल्यू आनी चाहिए थी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई चलिए अब रीजन पे आते हैं टू ऑबेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वी नीड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ ऑफ z एट ऑल द द कॉर्नर पॉइंट्स शेडेड रीजन शेडेड रीजन और विजिबल रीजन यस बिल्कुल ये ठीक है बेटा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स पर जो वैल्यूज होती है उनको कंपेयर करते हैं वही किया है, हमने प्रोसेस ही यही है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वन इज फॉल्स अगर यहाँ एट लिखा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता राइट नाउन इज फॉल्स रीजन इज ट्री डी इज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स प्लस टू ट्वेंटी एक्स प्लस टू फोर्टी इज ट्वेंटी अगेन आपको ड्रॉ करना है quickly. Very quickly draw कर लीजिए जब भी में आए आप यहां देख रहे हैं बेटा और ऑरिजन इसको सेटिस्फाई करेगा इस तरफ रीजन है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर्टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टी ये लाइन आएगी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया अब देख रहे हैं क्या फिजिबल रीजन मिल रहा है बेटा आपको नहीं मिल रहा ये दोनों में ही कॉमन रीजन नहीं है नो no डाउट ये तो फर्स्ट क्वार है अगर बात होती तो यहां हो जाती है लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं है चारों जो shade बनाने हमने हैं उनसे हमें चाहिए common reason। तो यहां पर तो फिजिबल रीजन की बात नहीं हो रही तो सॉल्यूशन कैसे बात हो सकता है इसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता ओके तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई अब रीजन इफ द फिजिबल रीजन ऑफ बाउंडेड

एंड वाई लेस देन इक्वल टू टू ओके एक्स ग्रेटर टू वन बेटा इससे ग्रेटर ये साइड वाई लेस देवल टू टू वाई टू टू ये, ये, ये common reason है first quadrant में इतना पोर्शन है बाकी ये second quadrant में Yes, feasible reason. First and second quadrant में ही lie कर रहा है बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई बेटा ओके ग्राफ फॉर द इन x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन वाई लेस देन इक्वल टू टू इज दिस और बिल्कुल ये रीजन भी ठीक है और राधर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ओके यही एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करके ही चेक करेंगे ओके नेक्स्ट देयर इज नो फिजिबल रीजन फॉर द कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड इन द एलपीपी

ऑप्टीमल सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक ये भी बिल्कुल ठीक है अनबाउंडेड रीजन में आपको ध्यान हो तो फिर हम एक इनिक्वालिटी खुद डिफाइन करते हैं वैल्यूज निकाल के जो भी वर्ड पता चल रहे होते हैं वहां से अगर वो सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशन होता है अदरवाइज नहीं होता तो बिल्कुल अनबाउंडेड केस में ऑप्टीमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता ये भी स्टेटमेंट ठीक है बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नो no. यहां तो फिजिबल रीजन की बात ही नहीं हो रही यहाँ है ही नहीं यहां बात हो रही है अनबाउंडेड होने की ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें तो फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ओके okay? यहां पर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की बात हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक होगी स्टेटमेंट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दैट मीन्स बी इज द आंसर ओके B is the answer. Actually, next question. Assertion is for the constraints 5x plus 3y less than equal to 15. 3x plus 4y less than equal to 12. x greater than equal to 0. y greater than equal to 0. Corner points of the feasible region are 0, 4 and 3, 0. You are to quickly draw. Just draw it and you can easily check. दो थ्री जीरो हो बट जीरो फोर नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई आपकी टू फाइंड द ऑप्टीमल सोल्यूशन ऑफ ए एल पी पी इट इज नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिपल रीजन ये बिल्कुल ये जरूरी होता है बेटा कॉर्नर पॉइंट पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट एजर्शन इज फॉल्स एजर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू दैट मीन्स डी इज द आंसर ओके चलिए लास्ट वन इफ एन एल पी पी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट टू कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिपल रीजन देन इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट इंफाइट मेनी पॉइंट एप्सोल्यूटली राइट बेटा आपको ध्यान हो तो अगर कोई दो कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आती थी तो हम कहते थे कि उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के सभी पॉइंट पॉल्यूशन होंगे है ना सभी पॉइंट्स पर ऑप्टिमल वैल्यू आएगी तो लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं फिक्स तो नहीं होते इनफाइनाइट में नहीं होते हैं तो यस सभी सॉल्यूशन कहलाएंगे तो so, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट ओके रीजन इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एल पी पी इज सेम एट टू कॉर्नर पॉइंट देन इट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू कॉर्नर पॉइंट येस एब्सोल्यूटली राइट यही रीजन भी है रादर। यही तो हम बात कर रहे हैं यही तो हमने चेक किया अगर किसी एलपीपी पे दो कॉर्नर पॉइंट पर सेम वैल्यू आए तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू आएगी एंड दिस इज द रीजन फॉर एजर्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन तो बिल्कुल यहां पर ए हम कह सकते हैं ओके आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे